ये अगर सॉलिड है तो यहाँ पर अगर मैं इसको कट करूँगा, अब कैसे निकालूंगा, देखो सॉलिड है तो अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँगा तो मुझे एक डिस्क मिलेगा यार। अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, इसकी रेडियस आर है और मास एम है, तो कट करने के बाद मुझे एक डिस्क मिलेगा यार। यहाँ से मैं जाता हूँ वाई डिस्टेंस पे जाता हूँ, और ये थिकनेस डी वाई का मैं एक कट कर लिया हूँ। तो अगर सॉलिड है, जैसे नहीं होता है तरबूज, होता है तरबूज वाटरमेलन, उसको काटोगे तो ये एक डिस्क मिलेगा यार। ये जो मिला है डिफरेंशियल एलिमेंट, वो एक डिस्क मिला है, इस टाइप का डिस्क। इसकी सेंटर वो है और वो डैश है, और जिसकी रेडियस कुछ आर है। ये मुझे डिस्क मिला है जिसकी रेडियस आर है, क्लियर है? तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट है जिसकी थिकनेस डी वाई है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, दिस सेंटर, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये स्मॉल आर इसका रेडियस हो जाएगा। और इसको निकाल सकते हो, ये वाली रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और ये कितना है, वाई है। तो इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, इस स्मॉल आर की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, दिस इज द स्मॉल आर, क्लियर है? ये इसकी डिस्क की रेडियस हो गई। अब जो मास है, सॉलिड है ना यार, तो मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमारा लॉजिक क्या है कि हम कैसे इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसकी ओ डैश पर ही होगा। ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पूरा डिस्क है ना यार, तो उसके सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर ही होगा। तो ये जो सॉलिड हेमी स्पियर है, अगर मैं इसको काट काट के काटूं तो डिस्क 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 से बना होगा। तो अगर मैं डिस्क के ऊपर डिस्क रखूंगा तो जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पर ही आएगा, क्योंकि डिस्क का सेंटर वाई एक्सिस पे है। मतलब इस क्वेश्चन में जो जेड एक्सिस है और वो एक्स एक्सिस है, उसमें सेंटर ऑफ मास आएगा ही नहीं, बट सेंटर ऑफ मास से एक्स सी एम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास 0, वाई सी एम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इज नॉट इक्वल टू 0, एंड जेड सी एम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू 0। यहाँ जो है जेड में नहीं आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, जेड एक्सिस बाहर है, एक्स में कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क ओवर डिस्क ऐसे रखोगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वाई पे ही आएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब आएगा तो निकालेंगे कैसे यार, तो एक डिस्क का निकालते हैं, बाकी इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट लगा के, ठीक है ना। तो लिमिट लिमिट लगा के कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी, तो लिमिट जाएगी यहाँ वाई इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे y इज इक्वल टू कैपिटल R तक जाएगी, ठीक है, लिमिट। तो y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y स्टार्ट हुआ है और कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले dm कैलकुलेट करते हैं, इस डिस्क में कितना मास आया होगा, तो इस डिस्क में जो मास आया होगा वो dm। तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई इस छोटे से वॉल्यूम का। बी केयरफुल, मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ हेमिस्फीयर है, और बी इसका वॉल्यूम है, और डी भी इसका वॉल्यूम। चलो वैल्यू रख दो, तो मास ऑफ द हेमिस्फीयर और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और ये आधा है तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। और अब इस डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे, तो इस डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इस डिस्क का जो मास, इस डिस्क का जो वॉल्यूम है, तो इसकी एरिया और इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर और इसका थिकनेस डी वाई, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है और उसमें इसकी सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड दैट इज डी वाई, ठीक है। तो पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया और ये टू ने एक टू को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 3M, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड कर दूं मैं 2 आर की पावर क्यू, दैट इज द डी वाई, दिस इज द स्मॉल मास विच दिस डिस्क कंटेन। ये एक स्मॉल मास है,
जिसके पास ये जो डिस्क है डिफरेंशियल एलिमेंट, उसके पास इतना मास आया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूले लगाना है। फार्मूला क्या होता है कि जो y cm ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm, ठीक है। y क्या है, y dm एलिमेंट, जो dm एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, o डैश पे आएगा। तो इस o डैश का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा या दिया हुआ है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जा रहा है, देखो ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा और उसका सेंटर ऑफ मास y, डायरेक्ट y ही है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और बाकी dm की वैल्यू डाल देते हैं और लिमिट y इज इक्वल टू जीरो टू r करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो अब बस बाकी कैलकुलेशन ही है। तो y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू कैपिटल R, अपना लिमिट चला गया, dm की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा, y ऐसे ही रहने दो और dm उठा के इधर से लेके आओ, dm इज इक्वल टू 3m 2r की पावर q, 2r की पावर q और r स्क्वायर एंड द dy इज इक्वल टू जीरो टू कैपिटल R, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, R स्क्वायर क्या था, रेडियस था यार, तो R स्क्वायर अगर रेडियस था तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू देखो कि कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से जो कॉमन है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 3 और यहाँ m से डिवाइड भी तो करते हैं भैया, तो m से डिवाइड करते हैं तो एक m इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 r की पावर q इधर रह गया, और यहाँ से y और r स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 to R दैट इज dy। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाए। इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 r की पावर q, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, और इंटीग्रेशन R स्क्वायर वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई की पावर क्यू और डी वाई 0 to R लिमिट चला गया, तो 0 to R। अब ये हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये फाइनल जो सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3/2 R की पावर क्यू, और इधर बचा देखो, इधर बचा कितना, R स्क्वायर तो इधर है और ये जब इंटीग्रेट होगा तो y का स्क्वायर बनेगा, तो y का स्क्वायर और R का स्क्वायर, R की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये R की पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ q हुआ तो ये आ जाएगा R की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये इधर मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 ऊपर आ गया, R 3R ऊपर बच गया और 8 नीचे बच गया आर क्यू। सॉलिड हेमिस्फीयर है, बी केयरफुल, सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ पर है, जिसकी रेडियस R है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3R/8। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास।